आमिर खान और करीना कपूर की लाल सिंह चड्ढा बुरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है। 11 अगस्त को रिलीज हुई थी, पिछले 10 दिनों में कुछ भी खास कमाल नहीं कर पाई है। 51 करोड़ की कमाई थी लेटेस्ट अपडेट, अगर लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो फिलहाल 54 करोड़ की कमाई उनकी हो चुकी है, इस तरीके से खबरें आ रही है, विच इज एब्सोल्यूट डिजास्टर फॉर एनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किसी बड़ी मूवी के लिए। सो इस बड़े मूवी के लिए अब मुश्किलें जो है दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब आपको बताते हैं करीना और आमिर खान की मूवी को अब कौन सी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त वेदांगी कर्णिक। फॉरेस्ट गंप का ऑफिशियल हिंदी अडाप्टेशन जो है लाल सिंह चड्ढा, इससे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी थे, लेकिन आमिर खान और करीना कपूर दोनों के कुछ स्टेटमेंट्स के चलते पब्लिक ने इन्हें बॉयकॉट करने की डिमांड की, इनके मूवी को बॉयकॉट करने की डिमांड की। भले ही दोनों ने माफ़ी मांगी, हाथ जोड़े और मूवी बॉयकॉट ना करने की बात कही, फिर भी ये कुछ भी चीज़ें वर्कआउट नहीं करी और मूवी एट द एंड ऑफ द डे बॉयकॉट ही हो गई। और इनको सबसे ज़्यादा थिएटर्स मिले थे किसी भी बड़े बॉलीवुड हिंदी मूवी के लिए, इतने बड़े थिएटर्स इस साल किसी को नहीं मिले। लेकिन यस, मैक्सिमम नंबर ऑफ थिएटर्स जो है लाल सिंह चड्ढा को दे गए, लेकिन शोज़ काफ़ी कैंसिल हो रहे थे, टिकट्स बुक नहीं हो रही थी, तो कई सारे शोज़ कैंसिल भी किए, थिएटर्स भी कम हो गए, लेकिन फिर भी लोग जो है ज़्यादा टिकट्स नहीं ले रहे हैं, इस मूवी को नहीं देख रहे हैं। तो अब लग रहा है सिनेमा से अब ये मूवी जाने वाली है। जी हाँ, सामने ऐसी खबर आ रही है इतना बुरा परफॉर्मेंस देखने के बाद, जहाँ पे ओपनिंग डे पर 10 करोड़ के आसपास की कमाई गई, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कमाई कम हो रही है। लेटेस्ट कमाई जो उनकी हुई थी, एक रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से 1.5 करोड़ की कमाई उनकी हुई थी, इस तरीके से खबरें आ रही है, जिसके चलते अब उनकी कमाई और कम हो रही है और थिएटर में ये मूवी प्ले करने का कोई पॉइंट नहीं बन रहा है। और लोग अगर टिकट्स ही नहीं ले रहे हैं, शोज़ कैंसिल हो रहे हैं, तो जो थिएटर्स हैं उनका नुकसान हो रहा है, जिसके चलते अब रिन्यूअल जो अगले हफ्ते का होगा वो लाल सिंह चड्ढा को नहीं मिलेगा। थर्सडे तक ये मूवी मैक्सिमम स्ट्रीम की जाएगी, उसके बाद थिएटर से ये मूवी को निकाल दिया जाएगा ओविंग टू बिग लॉसेस। इतना ही नहीं, मैंने आपको जैसे बताया कि नेटफ्लिक्स की डील भी ऑफ हो चुकी है, इस तरीके से खबरें आ रही है। सो अब देखना होगा कि आमिर खान करीना कपूर की लाल सिंह चड्ढा, इसका फ्यूचर क्या है। क्या कुछ कहना चाहोगे इस पर, लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू सून।